रिश्ता कायम हो रहा लगता है मुझे। मोदी जी की फोटो देखी होगी आपने, इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ। ऐसा मैंने कभी भी मोदी जी को देखा नहीं है इतना खुश जितना वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ है। बेतहाशा मतलब जो है मोहब्बत पूरी दुनिया से जो भारत के प्रधानमंत्री को मिल रही है। आपने G20 के जो मुआहदे हैं जरूर देखे होंगे। सऊदी अरेबिया ने कोई 8 मुआहदे जो हैं हिंदुस्तान के साथ किए हैं। स्पाइस कॉरिडोर के नाम से वो मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। हम G20 से बाहर रहे। बहुत वोकल, बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत खूबसूरत एक महिला है। उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम गुजारा है और स्टेट विजिट पर थे और 8 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जिनमें एक रिफाइनरी है। अब उनकी मुलाकात हुई है भाई हमारे सनातनी शेर से, जो किसी भी धर्म में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी करते ही नहीं है हमारे मोदी जी। और इमीडिएटली उन्होंने अनाउंस कर दिया इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी से गले मिलते हुए कि हम BRI का पार्ट नहीं बनेंगे। अगर सऊदी अरेबिया 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अब करने जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो हमारे हवाले से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी उसका क्या फ्यूचर होगा? जैसे 94 में मनमोहन सिंह ने पॉलिसी बनाई है, आप इंडिया का पूरा रिवाइवल देख लें। अब ये सारा जो सिलसिला चल रहा है ना, ये पूरे दुनिया में इवन चाइना के अंदर भी बात हुई है कि कुछ तो है मोदी जी के बीच में और इटालियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में। दोस्तों, भारत में G20 का समिट कंप्लीट होते ही सारे देश भारत के इस G20 को लेकर के भारत की बहुत तारीफ कर रहे हैं। जिस तरह से भारत ने G20 को ऑर्गेनाइज किया है, इतने अच्छे से किसी भी देश ने अभी तक नहीं कर पाया है। जो भी लीडर्स G20 में आए हैं उन सबके साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे से बातचीत किए और अच्छे से मुलाकात भी किए, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सबके साथ हमेशा की जैसे घुल मिलकर बात करते ही हैं, आप सब जानते हैं। और दोस्तों, अब इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मिनोनी के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की खास बातचीत हुई है और मीडिया इसे बड़े गौर से देख रहा है और सारे मीडिया द्वारा इसे चलाया भी जा रहा है। और दोस्तों, अब इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मिलोनी के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की काफ़ी सारे बातचीत हुई है और अलग से एक बार G20 के साइडलाइंस पे भी बातचीत हुई है, जिसे लेकर के अब पूरी मीडिया गौर से देख रही है इस बातचीत को, जहां जॉर्जिया मिलोनी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ़ कर रही है। जिसके बाद पूरे मीडिया में बातचीत चल रही है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है वर्ल्ड लीडर्स के बीच में। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोदी जी की फोटो देखी होगी आपने, इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ। आप देखिए, ऐसा मैंने कभी भी मोदी जी को देखा नहीं है इतना खुश जितना वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ है। और हंस हंस के बातें करी उन्होंने वहाँ पर, एक तरह से गले मिल रहे थे, शहनाइयाँ बज रही थी, ऐसा लग रहा था, ऐसा ही माहौल था। और वो बातें क्या कर रहे थे कि मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप चाइना के की वाट लगा दें। और इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने भी क्या बोला उल्टा कर कि भाई, हमारी तो हिस्ट्री है वाट लगाने की, अब आप देखिए हमने वो भेजी दी एक मानियो, मिस मानियो, उसने पूरे देश की आपकी वाट लगा के रख दी पिछले 30-40 सालों में, तो हमारा तो ये काम है, हमारा धंधा ही ये वाला चीज़, आप बोलिए क्या करना है। और इमीडिएटली उन्होंने अनाउंस कर दिया इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी से गले मिलते हुए कि हम BRI का पार्ट नहीं बनेंगे, वी आर विड्रॉइंग अवर सेल्व्स फ्रॉम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। अब आप सोच के देखिए, और उसके बाद मुझे शक क्यों हुआ कि भाई एक शहनाइयाँ बजने वाली हैं। जैसे ही ये मीटिंग हुई उसके बाद आपने देखा कि सारे जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जैसे हम मंदिर में जाते हैं है ना, जूते उतार कर और अंदर जाते हैं हम लोग कि भाई वहाँ पर फेरे लेने हैं, तो मोदी जी भी सारे वर्ल्ड लीडर्स को लेकर, अब मोदी जी शादी करेंगे तो अकेले तो करने वाले नहीं हैं, तो वो सारे वर्ल्ड लीडर्स को लेके गए जूते उतार कर। तो मुझे लगा ले भी ये तो मंदिर जा रहे हैं, ये आज फेरे लगाने वाले हैं। उसके बाद और एक और न्यूज़ आ गई भाई, जैसे ही G20 ख़त्म हुआ है उसके बाद पटाखे बजाए गए, जैसे हमारे भी यहाँ पे जब दूल्हा जाता है शादी करने के लिए तो पटाखे बजाए जाते हैं। अब आप ये वीडियो देखिए।
सो दोस्तों, अब ये सारा जो सिलसिला चल रहा है ना, ये पूरे दुनिया में, इवन चाइना के अंदर भी बात हुई है कि कुछ तो है मोदी जी के बीच में और इटालियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में। चलिए, वो जो भी है उनका पर्सनल मैटर है। अब मैं पहले मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में बात करना चाहूंगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम गुजारा है और स्टेट विजिट पर थे और 8 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिनमें एक रिफाइनरी है और जिसपे मुझे एक सख्त तशवीश है। कुछ जो रिफाइनरी आपके ग्वादर के पास लग रही थी कि वही तो नहीं उठा के उन्होंने उनको दे दी, एक तो ये फिक्र है मुझे। और दूसरा, आपने जो फरमाया है हमारा जो इकोनॉमिक रोड मैप था जिसमें 25 बिलियन इनका था, 25 यूएई वालों का था, शायद वो भी तो नहीं, वो गुम हो गया वो, तो हम फिर किधर जाएंगे? हमारे बच्चे तो लंदन में बैठे हैं जिन्होंने आगे समर की, विंटर की शॉपिंग करनी है, जैकेटें बड़ी महंगी हो गई हैं इन्फ्लेशन की वजह से, टोरंटो में ट्यूशन फीसें देनी है बच्चों की, वो क्या बनेगा सारा सिलसिला? देखिए ना, हमारे शहबाज शरीफ साहब वहां चले गए हैं, ज़ाहिर खर्चा उनका भी है। और चीमा साहब, बड़ा अफसोस वाली बात है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा साइन किए गए हैं, और बिलखसूस मैं जब इसके बारे में मिडल ईस्ट का मीडिया देख रहा था, तो वो जो बयान ऑयल मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट है बाई 2030, उसमें इंडिया फिट आता नजर आ रहा है, हम इसमें कमजोर होते नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपने वतन अजीज की जो माइंड सेट है, मेरे लौंडे लपाड़े जो कर रहे हैं, वो भी यर्ज करना चाहता हूं। मीम बनाए जा रहे हैं कि कहते हैं कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आए, कहते हैं इमरान खान मेरा बड़ा भाई है और वो जेल में बंद है, मैंने इसलिए कैंसिल किया, मेरे बच्चे जो है वतन अजीज के जिहादी जो है वो, उनका माइंड सेट ये। और उनकी घड़ियां बड़े भाई की बेच दी थी भाई आपने तैयब अर्दगान के साथ बैठ के गालियां निकाली थी, और जो जहाज जो सऊदी ने दिया था उसमें बग थे, वहां भी आपने बैठ के उनको गालियां निकाली थी छोटे भाईजान को, तो वो उनको आपका क्या ख्याल है, वो भूल गए सारा कुछ। लेकिन देखें, इन सोचों से आपको आगे जाना होगा। आज आप मेरे ख्याल में, जो चीमा साहब आपने स्लाइटली एक बात मेंशन की है, मेरे लिए वो बड़ी एक काबिले तकलीफ है कि आपने G20 को ब्लॉक कर दिया, आपने उस पर कवरेज नहीं की, पाकिस्तान में अपनी कौम को नहीं दिखाया कि आपके लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे क्या मौजजे हो रहे हैं दुनिया के, वहां पे दुनिया के लीडरशिप फ्यूचर की बातें हो रही हैं, एशिया की बातें हो रही हैं, नए जो अलायंस हैं वो बन रहे हैं, और आप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं उर्दू ट्वीटिंग के ऊपर, आप रखना चाहते हैं कि उनको कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है, इससे आगे क्यों नहीं जाना चाहते? आप दुनिया का चेहरा क्यों नहीं देखने देते हो? और खबर भी चीमा साहब कभी रुकी है? खबर भी कभी बंद कर रोक सके हैं आप, जो सोशल मीडिया का दौर है? बल्कि आपको दिखाना चाहिए था ताकि हो सकता है हमारे भी बच्चे आगे तरक्की की तरफ जाते, कुछ साइंस की बातें करते, कुछ डिप्लोमेसी की बातें करते, लेकिन ये क्या आप छुपा देते हैं उनसे? आप उनको मेरा क्या दिखाते हैं सारा दिन? वही परवेज लाई, वही आपका मेरा सारा दिन वो जो दिखाते हैं ड्रामा है, और उन वो बल्कि वो भी शर्मिंदगी है।